नमस्कार, मैं हूँ श्रुति चांदना और आप देख रहे हैं स्टार टचपर न्यूज। देखते रहिए आज के खास समाचार। मंदसौर कृषि उपज मंडी में प्याज के उचित दाम नहीं मिलने पर किसान रोड पर चक्कर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद ताबड़तोड़ में मंदसौर तहसीलदार पुलिस बल के साथ मंडी गेट पर किसानों के पास पहुंचे और किसानों को समझाइश देकर गांव के भोले भाले किसानों ने चक्कर जाम उठा दिया और किसान मंडी परिसर में चले गए। प्याज के व्यापारियों ने पुनः प्याज नीलामी की बोली लगानी शुरू की तो वापस उसी मूल्य में खरीदना शुरू किया। प्याज के भाव सुनकर पुनः किसान भड़क गए और दोबारा मंडी गेट पर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि इस बीच किसानों की समस्या सुनने के लिए कोई जन प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। वही मनहार विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रहे श्यामलाल जोगचंद ने किसानों की समस्या को सुना और कहा कि केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है, जिस कारण प्याज की कीमत इतनी गिर गई है। साथ ही जोगचंद ने समस्या का हल निकालने की बात कही। वही किसान बताते हैं कि दो दिन पहले जो प्याज 1500 से 2000 प्रति क्विंटल बिक रहा था, आज वो प्याज 300 से 350 प्रति क्विंटल के भाव से बिक रहा है। ये किसानों के साथ सरासर गलत हो रहा है, जबकि किसान को प्याज उत्पादन में एक बीघा जमीन में कम से कम 30 से 40 हजार रुपए की लागत लगानी होती है। स्टार 24 न्यूज मंदसौर। तू करिया के 1000 रुपए में प्याज ही रहा, काले 1700 1800 2000 तक बिक गया जी जी। और आधा भाव हो गया जी, कई कारण ठीक है। उसके बाद में कर्मचारियों की हड़ताल होती है, पटवारियों ने हड़ताल करी 2 महीने से और शिवराज सिंह ने उनकी डिमांड पूरी करी ठीक है। उनके कर्मचारी वो है, हमारे किसान लोग है, 5 उंगलियां 1 शरीर नहीं है, गरीब किसान भी है। तो कई मांग करो सर, मांग ये है कि 2000 तो कम से कम प्याज बिकना चाहिए। निर्यात बंद कर दिया तो कम से कम 2000 लागत कितनी महीनी आपके 1 बीघा में 40,000 रुपए की लागत हो रही है। आपने कई भाव नहीं, कई मिल रो 1000 रुपए में, कई मांग करो 2000 तो कम से कम भाव की गड़बड़ मंदसौर मंडी में। मंदसौर मंडी में हुई, मंदसौर मंडी में हुई। डॉक्टर हड़ताल करते तो ताले लगा देते, पटवारी हड़ताल करते तो ताले लगा देते, मास्टर हड़ताल करते तो ताले लगा देते, स्कूल बंद कर देते। सर क्या लगाएंगे बेचारे ताले? अब सर और जान करेंगे और क्या करेंगे? शुभ नाम देखा तो बड़ी चक्का जाम करा हुआ है, सारे किसान यहाँ पर बैठे हुए थे। मैंने उतर के पूछा, मैंने भैया क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ये जो प्याज दिख रहा है आपको, प्याज कल तक ये 3000-4000 रुपये क्विंटल बिक रहा था, आज ये 341 रुपये क्विंटल बिका, कोई 200 रुपये क्विंटल भी बिका, कोई 100 रुपये क्विंटल भी बिका। तो इस तरीके से किसानों के साथ अन्याय है। और सबसे बड़ी मूल बात यह है कि अन्नदाता किसानों का जो प्याज का जो निर्यात है उस पर इस देश की मोदी सरकार ने जो है उस निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। हमारे क्षेत्र का जो अन्नदाता किसान है वो लगातार मेहनत करता है और जब उसकी फसल आती है घर में और जब वो मंडी में लेकर के जाता है तो उसकी फसल को इस तरीके से कोड़ियों के दाम वो लोग कर देते हैं। इससे अन्नदाता किसानों में भयंकर आक्रोश है और आम जो अन्नदाता है वो अपने आप को बहुत ठगासा महसूस कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को राजनीतिक दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके, क्योंकि अभी हमारा मध्य प्रदेश का चुनाव निपटा है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जो लोग थे नेता लोग, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए रात रात में मंदिरों पे दिए, मस्जिदों पे दिए, उन्होंने कब्रिस्तानों में दिए, उन्होंने होटलों पर देवरों पर पैसा दिया, रात में शराब की जो बॉटलें उन्होंने बांट करके वो लोग जीत गए। लेकिन जीतने के बाद ही अन्नदाता किसानों का प्याज से वो लोग पैसा वसूल कर रहे, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और उन तमाम जीते हुए नेताओं से विनम्र अनुरोध है कि भाई आप लोगों ने मंदिर पर पैसा देकर के तुम चुनाव जीते, अभी तो आप स्वर्ग में चले गए हो, लेकिन मरने के बाद भी आपको स्वर्ग मिलेगा। कम से कम अन्नदाताओं को प्रताड़ित करना बंद करो, उनकी जो फसलों का वाजिब दाम है। अन्नदाता किसान कोई अन्य चीज़ नहीं मांग रहा, वो मात्र दाम मांग रहा है। अभी तक प्रशासन की किसी से बात हुई क्या? अभी काफ़ी टाइम हो गया। मेरी अभी यहाँ जो SI साहब यहाँ पर आए थे और उनसे मैंने कहा कि आप प्रशासन के किसी कारिंदे से हमारी बात करवाओ। और मैंने अभी तहसीलदार महोदय को कॉल किया था, तहसीलदार साहब ने कहा मैं मंडी में हूँ, मंडी चला रहा हूँ। अब मुझे मंदसौर ज़िले का प्रशासन का समझ में नहीं आता कि एक तरफ अन्नदाता किसान चक्का जाम करके बैठे हुए हैं, उनकी वाजिब दाम जो है प्याज का वो मिलना चाहिए, लेकिन प्रशासन मंडी चलाने में लगा हुआ है। मुझे लगता है कि इस यहाँ का जो निष्ठुर प्रशासन है
उससे हम लोगों को कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि अगर अन्नदाताओं के साथ अन्याय करोगे तो ठीक है आपने बरगला करके मंदिर मस्जिद करके आपने वोट तो कबाड़ लिए, लेकिन अन्नदाता का गुस्सा अगर फूटा तो वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा।